नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। आज हम जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक का फास्टैग किस प्रकार केवाईसी किया जाता है। सबसे पहले हम गूगल के ऊपर कोटक फास्टैग टाइप करेंगे और जो आपको पहली साइट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह एक ऐसा बैग साइट नज़र आएगी जिसमें लॉग इन करेंगे, तो इसके पश्चात हमें ये महिंद्रा के वेबसाइट पर ले जाएगी। यहाँ हमें सबसे पहले उस मोबाइल नंबर को डालना होगा जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग हमने फास्टैग लेते हुए किया था। जब हम इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैं मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मुझे यहाँ पर डालना होगा पासवर्ड्स। इसको पासवर्ड्स वैसे तो बाद में सेट किया जाता है, परंतु मैं ये प्रक्रिया समय बचाने के लिए पहले ही सेट कर चुका हूँ। इसके बाद मैं ये डालता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ कैप्चा। तो ये मैंने कैप्चा टाइप किया और इसके पश्चात मैंने लॉगिन किया, तो ये एक पोर्टल खुल गया है, यानी मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के पश्चात यहाँ नॉमिनी डिटेल अपडेट आ रही है, परंतु इसको हम क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पर टोटल डिटेल आ जाती है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ गई है, परंतु हमें क्या देखना है, हमें देखना है केवाईसी। क्या देखना है हमें? केवाईसी देखना है। तो केवाईसी देखने के लिए हम माउस को लेकर आएंगे केवाईसी पर और यहाँ क्लिक करेंगे। केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो इसके पश्चात हमें यहाँ पर ये जो सरफेस दिखाई दे रही है, इसमें हमें गौर करना है। यहाँ दिखा हुआ है केवाईसी पेंडिंग, यानी अभी तक केवाईसी हुई नहीं है। अब हम यहाँ ऑप्शन जब चेक करते हैं, अच्छी तरह चेक कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकें, परंतु हम देखते हैं कि हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। अगर हमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें, तो इसका मतलब यही है कि महिंद्रा, कोटक महिंद्रा की जो केवाईसी है उसे आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते। आप अपनी जो केवाईसी है वो ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको इसके लिए बैंक की ब्रांच जाना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।